रायपुर में चेस ओलंपियाड का जोरदार स्वागत। सीएम बघेल ने कहा, शतरंज खेल को लेकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना। भोपाल में सीएम शिवराज की विधायकों और सांसदों को हिदायत। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दी नेताओं को हिदायत, दिमाग न चलाएं, जो पार्टी बताए वही करें, ऐसा काम करें जिससे पार्टी को शर्मिंदा ना होना पड़े। एमपी विधानसभा सत्र को लेकर सस्पेंस खत्म। विधानसभा अध्यक्ष ने स्थिति स्पष्ट की, 25 जुलाई से ही चलेगा मानसून सत्र। गिरीश गौतम की तरफ से कहा गया, संशोधित की कोई अधिसूचना नहीं आई है। रायपुर में पंचायत मंत्री से टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दिया। मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग की जिम्मेदारी छोड़ी, एपीओ पर कार्रवाई से है खफा। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का बयान, ईडी की कार्रवाई का विरोध, राजनीति के द्वेष के तहत केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ में बारिश से हाल बेहाल, सुकमा और बीजापुर में जनजीवन अस्त व्यस्त। मंत्री कवासी लखमा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। राजगढ़ में स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ का मामला। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर। आला अफसरों ने लिया मामले में संज्ञान। स्कूल संचालक समेत 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई। जांजगीर चांपा में लाइन अटैच किए गए 2 कांस्टेबल अवैध शराब कारोबारियों से पैसे लेने का आरोप। कार्रवाई नहीं करने के एवज में लिए थे 22,500 रुपए। जांजगीर चांपा में लोगों ने थाने का घेराव किया। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर हंगामा। गाड़ी में आरोपी ने लगाई थी आग। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। ग्वालियर में बारिश से हाल बेहाल। ग्वालियर के सबसे बड़े अस्पताल में जल भराव। जयरोग्य अस्पताल परिसर में भरा पानी। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर घुटने तक पानी। अगर मालवा में आकाशीय बिजली गिरने से बगला मुखी मंदिर को नुकसान हुआ। गर्भगृह की छत पर लगी कांच गिरी। सचिव और पंडितों ने मंदिर में हवन पूजन किया, सुख शांति की कामना की। बिलासपुर में जुआ खेल रहे 4 जुआरी गिरफ्तार। जुआरियों से 41,000 नगद और ताश की पत्ती बरामद। सकरी थाना क्षेत्र का मामला। बड़वानी महिला जेल प्रहरी की अपने शासकीय क्वार्टर में मिली लाश। 3 दिन के शासकीय अवकाश पर थी जेल प्रहरी। क्वार्टर से बदबू आने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। पंचायत चुनाव के परिणाम को लेकर बीजेपी का दावा, पंचायतों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी की एक तरफा चली है लहर, कांग्रेस हार की स्थिति से गुजर रही है। श्योपुर में भारी बारिश से पार्वती नदी उफान पर, टापू में तब्दील हुआ सुंडी गांव। 300 से ज्यादा ग्रामीण गांव में फंसे। ग्रामीणों ने मंदिर में शरण ली। खंडवा में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, बारिश से स्कूल में पानी भरा। स्कूल में पानी भरने से बच्चों को परेशानी हुई। इटारसी में बारिश से हालात बिगड़े। तवा डैम का बढ़ा जलस्तर। डैम के 3 गेट खोले गए। 23,400 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मध्य प्रदेश में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। श्योपुर में पार्वती नदी के पुल पर पानी भरा। गांव में 500 लोग फंसे। छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। छत्तीसगढ़ में फिर से डराने लगा है कोरोना। 24 घंटे में मिले 400 से अधिक मरीज। पॉजिटिविटी दर 3.42% हुई। जगदीप धनखड़ होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया। सीएम नीतीश कुमार ने किया फैसले का स्वागत। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद 630 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 7 घंटे में पूरी होगी। 7 जिलों से कनेक्ट होगा ये एक्सप्रेसवे। महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर जारी। 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की संख्या 102 पर पहुंची। कुल्लू में भारी बारिश के बाद भूस्खलन। यातायात हुआ प्रभावित। श्रीखंड महादेव यात्रा पर भी असर पड़ा। गुजरात में आसमान से बरस रही आफत। जूनागढ़, सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, द्वारका समेत तमाम जिलों के हाल बेहाल। देश में कोरोना के मामलों में लगातार उछाल आई। पिछले 24 घंटे में 20,044 नए मरीज मिले।